सामने आ चुका है श्वेता शेट्टी का अगला बिग प्रोजेक्ट। जी हाँ, कौन से प्रोजेक्ट में श्वेता नजर आने वाली हैं, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिनेस्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर कर सकते हैं @ज्योति_नाहक7 को फॉलो। देखिये श्वेता की मैं बात करना चाहूंगी कि हम सभी लोग उन्हें देख रहे हैं, लगातार वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है एंड बैक टू बैक वो रिहर्सल्स कर रही थी। जब होली का परफॉर्मेंस था उनका तो वो तो हमने देखा ही, शी वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग इन दैट परफॉर्मेंस। उसी के साथ साथ जो एक और खास बात थी वो ये थी कि रिसेंटली श्वेता स्पॉट हुई थी डबिंग करते हुए, जो कि प्रोजेक्ट कुछ दिनों में रिवील होगा। ये तो वो काम है जो इस वक्त श्वेता के साइड बाय साइड चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने किसी चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। एज दे से गुड थिंग्स डू टेक टाइम, बट यहां पर एक चीज की अनाउंसमेंट श्वेता ने खुद सामने आकर कर दी है अपने ट्विटर पर। जी हाँ, देखिए कल के दिन श्वेता ने अपने फैंस के साथ एक आस्क श्यामजी सेशन रखा, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है ये, आस्क श्यामजी सेशन रखा, जहां पर श्वेता ने फैंस से सवाल किए, फैंस ने श्वेता से सवाल किए और श्वेता ने जवाब दिए। जहां पर एक फैन आकर सवाल पूछते हैं कि आप कलर्स के इन दो शोज में से कौन सा करना चाहेंगे। देखिए बिग बॉस में श्वेता को बहुत ही भरपूर प्यार मिला और उसके बाद फैन सवाल पूछते हैं और लिखते हैं, इफ यू गेट अ चांस टू डू अ रियलिटी शो अगेन, विच वन आर यू गोइंग टू डू और चूज, खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा। जिसके बाद श्वेता शेट्टी ने साफ जवाब दिया। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, चाहे झलक दिखला जा हो और खतरों हो, ये दोनों शोज ऑलरेडी श्वेता कर चुके हैं। और इसके बाद श्वेता कहती हैं कि अगर मुझे दोबारा करने का मौका मिलता है तो मैं झलक दिखला जा चूज करूंगी, एनी टाइम वुड चूज डांसिंग ओवर एनीथिंग एल्स, यानी कि उनका पहला प्यार जो है वो डांसिंग है। सो कुछ भी हो जाए बट वो डांस शो को सबसे पहली प्रेफरेंस देंगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको डांस शो पे जल्द नजर आ सकती है श्वेता शेट्टी। आप उन्हें देखना चाहेंगे या नहीं किसी डांस शो पर, और किस शो पर देखना चाहेंगे बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में।